हम लोग का सो गया है, ममता पढ़ रही है अकेले। डाल देते हैं सबको। गया है, मस्त बनाई है, ऐसा ही बना है। तो दोस्तों ये है कुसमा फिश, खाने में बहुत टेस्टी होता है। कुसमा और टेंगरा है बीच में, तो बाजार से लेके आए थे। इसको बोलते हैं टेंगरा वाला। इधर है बाकी कुसमा, इतना बड़ा बड़ा, इससे तो छोटा छोटा होते हैं। तो हल्दी थोड़ा थोड़ा लगा रही है शायद इसमें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों दो दिन से वीडियो नहीं आया था, तो आज चले बनाते हैं। मछली को मिक्स कर ली है और चलिए चलते हैं। ये वाला ऐसा ही खाने में बहुत टेस्टी होता है। इधर इधर ममता बैठी है। तो दोस्तों इधर शाम होने ही वाला है, तो रात को ही बना रहे हैं हम लोग। और तुम क्या लेटा के आए हो? बाबू का देख लीजिए क्या क्या सब लगा के आया है। नमस्कार दोस्तों। और ममता करना शुरू कर दिया पढ़ने। तो दोस्तों फ्राई तो हो चुका है मछली, आप करेंगे इसको झोर। तो बाबू को तो हम लोग का सो गया है, ममता पढ़ रही है अकेले। आदमी के क्या कहें ममता? डाल दीजिए डाल दीजिए। अच्छी बार उबलेगा, डाल देते हैं सबको। तो हो चुका है, ये बन गया है, मस्त बनाई है। ये तो ठीक है, काला काला सब दिख रहा है। चले चलते हैं। बाबू और ममता तो दोस्तों सो गए हैं खा पी के, और हम लोग का बारी। तो दोस्तों मोटा मोटा फिश है, ऐसा ही बनाए हैं, तो करें शुरू। चल ये कैसा लगेगा खाने में? तो बहुत टेस्टी होता है ये वाला मछली।
तो दोस्तों खाने में तो बहुत अच्छा लगा ना, बहुत टेस्टी लगा, पर नमक तो बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया नमक, तो इसलिए करीबी बच गया है। तो आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।